अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड मेजरमेंट ऑफ EMF। स्टूडेंट्स, मैं सिंपली बता देती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जो मेजर करना होता है जिस डिवाइस का हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, सर्किट कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैटरी है, लेट्स सपोज ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, ये उसके दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल लेट्स सपोज इसका पॉजिटिव है, ये लेट्स सपोज, बल्कि मैं इस तरह नहीं बनाती, वैसे ही बता देती, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, लेट्स सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ आपने नाइफ स्विच लगाया होता है, बल्कि आप ये बुक से डायग्राम देख लें ताकि ये टॉपिक हमारा कल वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज का हम मेन टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास दिखाया गया, ये जो है ना बल्ब, ठीक है, इस बल्ब में, बल्ब का हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मेजर किया जाता है। जिस सर्किट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है उसके साथ डायरेक्ट जो है हमने वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखें, इसके इधर वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल, दूसरा इधर, ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नाइफ से होता हुआ ये पॉजिटिव आया और यहाँ से ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट है। फिर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बल्ब के साथ अटैच है, बल्ब से निकल के वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इसमें दो बातों का ख्याल रखा जाता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। और स्टूडेंट्स, जिस एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट होते हैं जो बैटरी के अलावा जो चीज़ हम साथ अटैच कर देते हैं, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, व्हाटएवर, इसके साथ आप इसको पैरेलल लगाते हो। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, पैरेलल लगाया जाए। और स्टूडेंट, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, एक मिसाली वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि इसमें से करंट पास ना करे। अगर करंट इसमें से पास कर जाएगा तो इधर जो करंट आ रहा है वो हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हम मालूम नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपने खुद ही रीड कर लेना, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया जाता है उस सर्किट के साइड्स पे वोल्ट मीटर अटैच करके, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और वोल्ट मीटर का जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसको हमेशा पैरेलल तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, इसको आपने रीड कर लेना है। आगे जो है वो है मेजरमेंट ऑफ EMF। स्टूडेंट्स, EMF जो है ना, EMF आमतौर पर इसका मतलब होता है, इन जनरल EMF रेफर्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स पे कितना पोटेंशियल है उसको आप EMF बता रहा होता है, ठीक है। तो इसमें हमें बल्ब वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, नाइफ अटैच है और ये साथ वोल्ट मीटर अटैच है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना होता है कि इसमें जो है ना सीरीज तरीके से जोड़ा रहता है। देखिए, ये सीरीज तरीके से है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको भी आपने खुद ही रीड कर लेना, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा, और विद डायग्राम्स करने हैं दोनों टॉपिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। हम ओहम्स लॉ जो है स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। ओहम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? ओहम्स लॉ कहता है, ओहम एक साइंटिस्ट है जिसने ये कानून दिया, वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि किसी भी कंडक्टर में से जो करंट गुजरता है, किसी भी कंडक्टर में से जो करंट गुजरता है वो करंट जो है वो ज़्यादा होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा कंडक्टर के एंड्स के दरमियान तो हमारा करंट भी ज़्यादा होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा
तो वो भी कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने साथ एक बात की कि ये वाला जो रिलेशन है ना, पोटेंशियल डिफरेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तब एप्लीकेबल होते हैं जब टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट जो है कंडक्टर की वो चेंज ना हो। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर था 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर जब तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा ना, तब तक तो वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये वायर जो है ये हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, फिर स्टूडेंट्स पोटेंशियल चाहे जितना भी हो, करंट की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये तो आपको भी पता है, कोई भी चीज़ हीट अप हो जाए तो करंट की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब तक होता है जब तक उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, और दूसरी चीज़ फिजिकल स्टेट भी चेंज ना हो। मतलब अगर ये सॉलिड हालत में है तो सॉलिड ही रहे, ये ना हो कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या किसी भी वजह से ये मेल्ट हो गई या वट एवर, इसकी स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, तब ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो दो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, कब तक? जब तक टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज ना हो। तो ये इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू I, हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके यहाँ एक कांस्टेंट लेकर आए, और ये कांस्टेंट है R, कैपिटल R। R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये R जो है ये किसको जाहिर कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कंडक्टर की रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही है, और इसका जो यूनिट है SI यूनिट, रेजिस्टेंस का आपने यूनिट याद रखना है, होता है ओहम, और ओहम को सिंबल में इस तरीके से जाहिर किया जाता है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब स्टूडेंट्स अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान रिलेशनशिप ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ अगर हम वोल्टेज लें, इस तरफ हम करंट लेते हैं, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये ग्राफ जाहिर करता है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशन, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन जो है वो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को जाहिर करती है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ। अब ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की आगे डेफिनेशन आ जाती है। रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जब करंट फ्लो करता है, ओपोजिशन, मुखालफत, रुकावट पैदा करता है, मुजाहमत करता है, ओपोजिशन किस चीज़ के? टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो बहाव होता है उसमें रुकावट पैदा करती है जो चीज़, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स के टकराव की वजह से होती है। लेट्स सपोज ये एक सॉलिड है, ये जो है ये एटम्स जो होंगे इनके टकराव की वजह से जब यहाँ से करंट गुजरता है तो ये उसके रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कहलाती है। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, और हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, और अगर हमने R मालूम करना हो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर I। अब स्टूडेंट्स अगर हमने वन ओहम की डेफिनेशन करनी हो तो किस तरीके से होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो तो उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए कंडक्टर्स को और उसमें से करंट जो है वो 1 एम्पेयर पास करे तो उसकी रेजिस्टेंस हम कहेंगे क्या है? 1 ओहम उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका ओहम्स लॉ कंप्लीट हो गया, इसको आप रीड कर लें। सबसे पहले ये जो है ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे। आपने स्टूडेंट्स इसको खुद ही रीड करना है, ये आपको आ जाएगी समझ। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये सारा लिख के यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, ठीक है।
फिर SI यूनिट की हेडिंग बना लेंगे। स्टूडेंट्स SI यूनिट के साथ ही आप ये वाली ये जब लाइन लिखेंगे ना तो साथ आप ये डेफिनेशन ऐड कर लेंगे, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के स्टूडेंट्स हेडिंग बनाएंगे ना उसके साथ आपने ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी ऐड कर लेनी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ये सारा रेजिस्टेंस यूनिट जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की हेडिंग बनाएंगे उसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट ऐड करेंगे, और जब SI यूनिट वाली हेडिंग बनाएंगे वो वाली लाइन लिखने के बाद आप ये वाला पार्ट सारा ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ये आप ग्राफ भी बना लेंगे। ये लाइन लिखने के बाद आप ये पिछले पेज में ये ग्राफ बना हुआ है, आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।